हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम का अगर यूज़र नेम अगर बदलना चाहते हो। यूज़र नेम क्या होता है? यूज़र नेम दोस्तों ये वाला होता है। अगर आप इसे अपने यूज़र नेम को अगर बदलना चाहते हो तो आप किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम के यूज़र नेम को बहुत ही आसानी से इस वीडियो के माध्यम से आप बदल सकते हो। मेरा नाम अब्दुल कादिर है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, उसमें लॉगिन करना होगा। अगर आपने लॉगिन नहीं करा है तो लॉगिन कर लिया। अगर आप लॉगिन हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इंस्टाग्राम आईडी का यूज़र नेम बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, नीचे में दिए गए ये जो एक ऑप्शन आ रहा है प्रोफाइल का, हमें इस पर एक बार क्लिक करना होगा। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको शेयर प्रोफाइल का या फिर एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन देखते हैं। आपको एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। हमारा जो यूज़र नेम होता है वो यूज़र नेम क्या है, हमारा जो यूज़र नेम अभी है वो kadir.12 है। दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है, वो क्या है, यूज़र नेम आपको मिलना, यानी कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे लोगों ने अकाउंट बना रखा है तो आपके मनचाहा यूज़र नेम शायद ही यहाँ पे आपको मिल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम सिंपली एक बार क्लिक करते हैं अपने यूज़र नेम को बदलने के लिए। यहाँ पे kadir.12 है, सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ अब्दुल abdul अब्दुल, और दोस्तों मैं टाइप करता हूँ .1, शायद ये यूज़र नेम अवेलेबल ना हो। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये जो यूज़र नेम है वो अवेलेबल नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, कुछ इसी तरीके से यूज़र नेम जो है वो फाइंड कर लेना है। तो वो दोस्तों आप कैसे करोगे, या तो डॉट लगाओगे या उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो ये जो एक ऑप्शन आ रहा है इसका। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली हम इस वाले ऑप्शन का भी यूज़ कर लेते हैं, .1 लगा कर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों अंडरस्कोर जैसे जब हमने यूज़ करा तो ये भी हमारा अवेलेबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो हम सिंपली यहाँ पे टाइप करके देखते हैं और वो अवेलेबल है या फिर नहीं। 30/10/1999 तो शायद कहीं ये अवेलेबल हो, क्योंकि ये जो वर्ड है काफ़ी लंबा है। तो आपको अपना कोई भी एक यूनिक यूज़र नेम जो है वो फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि काफ़ी सारे अकाउंट जो है वो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी बने हुए हैं। तो शायद कहीं आपका अपना मनपसंद यूज़र नेम मिलने को शायद मौका ना मिले। तो शायद हो सकता है कि आप जो यूज़र नेम लेना चाहते हो वो आपको ना मिले, तो आपको कुछ इस तरीके से ढूंढ लेना अंडरस्कोर या फिर डॉट लगा के। तो ऊपर में दिए गए इस सही टिक वाले ऑप्शन पर हम एक बार क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको ग्रीन टिक जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। अब बात ये है कि आप एटलीस्ट 14 डेज़ तक आप अपने इस यूज़र नेम को बदल नहीं सकते हैं। आपको अगर रखना है इस यूज़र नेम को तो सिंपली आपको ऊपर में दिए गए इस सही टिक वाले ऑप्शन को आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। जब दोस्तों आप करेंगे इतना सब कुछ तो आपका जो यूज़र नेम है वो बदल जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अभी जो मेरा यूज़र नेम है abdul_30/10/1999 जो कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा जो यूज़र नेम है वो भी बदला हुआ आ चुका है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेरा ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।